हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। ये हमारा क्रैश का, यानी जो हम लोग 2020 क्रैश नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं, उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट। और बात करते हैं अपनी आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट हीट इंजन के बारे में, और हीट इंजन की कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराई थी। तो आज हम लोगों को करना क्या है, पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट ये बता देता हूँ, आज की क्लास में बच्चों हम लोगों को सबसे पहले बात करनी है रेफ्रिजरेटर की। और रेफ्रिजरेटर की बात करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाले हैं, फिर हम लोगों को उन क्वेश्चंस की बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। और देखिए कि जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास में बनता है वो क्या बनता है बच्चों, देखते हैं जरा। देखिए हीट इंजन के जस्ट बाद में स्टूडेंट जो टॉपिक आता है वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टूडेंट, ये हमारा क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 14 है स्टूडेंट। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 14 की। पहले मैं आप लोगों को ये याद दिला देता हूं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। देखिए हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ा हीट इंजन क्या है और वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, आज हम जो अपनी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर से। देखिए रेफ्रिजरेटर अपने आप में कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं है, एक बहुत कॉमन सी डिवाइस है, या हम यूं कहें कि हीट इंजन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का जो रिवर्स प्रोसेस है वो हमारा रेफ्रिजरेटर है। हालांकि रेफ्रिजरेटर में थ्योरेटिकली पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है यार, हम क्रैश की बात कर रहे हैं तो हमें फोकस करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रेफ्रिजरेटर को स्टूडेंट पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरली क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने हीट पंप यानी हीट इंजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जनरली हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ होता है बच्चों। जनरली जो हीट का फ्लो है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी है। थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड लॉ है स्टूडेंट वो ये कहता है कि अगर आपको हीट का फ्लो रिवर्स प्रोसेस में कराना है, आपको ठंडी जगह से हीट निकालनी है गर्म जगह पे पहुंचानी है, तो आपको बाहर से थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टूडेंट क्या आता है। बच्चों रेफ्रिजरेटर के अंदर भी तीन मेन पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट है स्टूडेंट रेफ्रिजरेटर के अंदर भी। इस पार्ट का नाम है बच्चों सोर्स, और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है T1। इस पार्ट का नाम है स्टूडेंट सिंक, ये हमारे पास में सिंक कहलाएगा बच्चों। सिंक का जो टेम्परेचर है वो T2 है, और ये हमारा वही कंप्रेसर या वर्किंग सिलेंडर जो भी आप इसे कहें वो कह सकते हैं बच्चों। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया था हीट इंजन, उस हीट इंजन का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यहां से हीट निकलती है, कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो सिंक की तरफ चली जाती है। यहां पर थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं। रेफ्रिजरेटर में सिंक का बच्चों मतलब है
फ्रिज के अंदर का पार्ट, रेफ्रिजरेटर का जो इंटरनल पार्ट होता है ना, वो सिंक की तरह काम करता है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर को जिस एटमॉस्फेयर में, जो रेफ्रिजरेटर के सराउंडिंग का एरिया है, या जहां हमने जिस रूम के अंदर हमने रेफ्रिजरेटर को रखा हुआ है, वो रूम हमारा सोर्स का काम करता है स्टूडेंट। अब होता क्या है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ बच्चों। होता ये है कि जैसे ही हम बाहर से वर्क करते हैं, भाई ये वर्क हमने कहाँ से किया, ये वर्क हमने किया इलेक्ट्रिसिटी से। ये जो फ्रिज को चलाने के लिए लाइट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ने W वर्क किया, यानी फ्रिज के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, जैसे ही उसे एनर्जी मिली उस कंप्रेसर ने वर्क किया W। अच्छा, जैसे ही उसने वर्क किया W, ये फ्रिज के अंदर का हिस्सा है, ये फ्रिज के बाहर का हिस्सा है, यानी फ्रिज के अंदर के हिस्से से इतनी हीट बन के निकलती है बच्चों Q2, ठंडी जगह से और हीट निकल गई, फ्रिज के अंदर से और हीट निकल गई। अब तुम एक बात बताओ, अगर फ्रिज के अंदर से और हीट निकल गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिज के अंदर का हिस्सा था ये और ठंडा हो गया। दोबारा से आप लोग समझिए, हमने बाहर से W एनर्जी खर्च करी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंप्रेसर पर गई, कंप्रेसर का अपना पूरा काम है, उसकी हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ पर। जैसे ही W वर्क हुआ, Q2 एनर्जी यहाँ से निकलकर यहाँ आ गई बच्चों, W एनर्जी बाहर से खर्च हुई कंप्रेसर को चलाने में, Q2 एनर्जी फ्रिज के अंदर से निकलकर यहाँ पर आ गई, और ये इन दोनों एनर्जी का कंपैरिजन चला गया सोर्स की तरफ, यानी रूम में एनर्जी चली गई, इन दोनों का सम रूम में चला गया, उल्टी गंगा बहा दी बच्चों हम लोगों ने, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जर्नली ये होता है भाई, हीट जो फ्लो होती है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है, दिस इज द हॉट, सोर्स गर्म है, सिंक ठंडा है, हीट का फ्लो होना चाहिए सोर्स से सिंक की तरफ, लेकिन हमने बाहर से वर्क कराकर, बाहर से एनर्जी खर्च करके उल्टी गंगा बहा दी, हमने हीट का फ्लो ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ करा दिया। यही हमारा थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के अंदर हमने बाहर से वर्क किया, बाहर से एनर्जी खर्च की, और हीट हमारी सिंक के अंदर से निकलकर स्टूडेंट सोर्स की तरफ चली गई। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि इधर से W हीट आई, इधर से Q2 आई, और W और Q2 का जो सम रहा अपने पास में वो Q1 के बराबर रहा। W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, बाहर इधर से W, सिंक के अंदर से निकला Q2, दोनों का सम सोर्स में चला गया, यानी रूम में चली गई, वेस्ट हो गई एनर्जी। ठीक है, W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, सो वर्क की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट Q1 माइनस Q2, Q2 उधर चला जाएगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, यानी बाहर से जो एनर्जी आई है वो इतनी एनर्जी आई है बच्चों। अब जैसे हम हीट इंजन में बच्चों पढ़ रहे थे एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती है कि वो कितना आउटपुट दे रहा है इन कंपैरिजन टू इनपुट, बिल्कुल वैसे ही रेफ्रिजरेटर में एक टर्म आता है बच्चों जिसका नाम है कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इस कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इस कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग बच्चों बीटा से डिनोट करते हैं, और इसका तरीका ना बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसका तरीका यह है, बीटा इज इक्वल टू, आपने W वर्क लगाया, भाई बिना वर्क लगाए तो ठंडी जगह से गर्म की जगह हीट जाने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्या बिना बाहर से कुछ किए आप हीट का फ्लो उल्टा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हीट का एक नेचुरल फ्लो है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हम लोग पीछे पढ़कर आए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, लेकिन यहां हमने क्या किया, यहां हमने बाहर से वर्क कराकर सिंक के अंदर से हीट निकालकर सोर्स को दे दी स्टूडेंट। सो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये है, अगर मैं आम भाषा में बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊं बच्चों, 1 जूल एनर्जी यदि आप बाहर से खर्च करते हैं तो 1 जूल एनर्जी बाहर से खर्च करने से यहां से कितनी एनर्जी निकलकर यहां चली जाएगी, यानी बीटा का मतलब है स्टूडेंट Q2 अपॉन W,
Q2 का मतलब है कि सिंक के अंदर से कितनी हीट निकली है, और W है कि हमने वर्क कितना किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कहा कि भाई आपके पास में रेफ्रिजरेटर है और उस रेफ्रिजरेटर का कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 है, 10, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार 10 का मतलब ये है कि अगर मैंने W वर्क किया है ना बाहर से, W वर्क मैंने बाहर से किया है, तो यहां से 10W हीट निकलेगी, सिंक के अंदर से 10 गुना हीट निकलेगी। स्टूडेंट, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का आप लोग मतलब समझिए यार, अगर मतलब समझ गए ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ भी करके इन्हें सीखना है बिल्कुल अच्छे से। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आज आगे चलकर हम उनकी बात करेंगे, लेकिन जरूरी है कि पहले हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझें। बच्चों, अगर मैं बाहर से W वर्क करूंगा तो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि इतने गुना हीट निकलकर यहां से यहां चली जाएगी। स्टूडेंट, W को मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और अगर टेम्परेचर के टर्म में यह आंसर निकाला जाए ना स्टूडेंट, तो ये बनेगा T2 अपॉन T1 माइनस के T2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं यार सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा फार्मूलों के ऊपर फेथ नहीं करता हूं, हम लोग फेथ करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ये सब बकवास है, फार्मूले हैं। हमें तो सिर्फ ध्यान करना है W एनर्जी खर्च होगी, यहां से एनर्जी निकलकर यहां भागेगी, दोनों का सम होगा वो यहां भागेगा। कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का तरीका है सिंक के अंदर से कितनी एनर्जी निकली है W के रेस्पेक्ट में, W के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल क्या है, दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक, यह है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है? बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है यार, मजा आएगा तुम लोगों को। कंडीशन क्या है जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये कहा गया कि भैया मैंने यहां से जो वर्क किया है वो 10 जूल का वर्क किया है, और यहां जो एनर्जी गई है वो 100 जूल की एनर्जी गई है। आपको बीटा बताना है कितना होगा बीटा, मैं एकदम से कहूंगा यार, एक बार सोचो यार, थोड़ा सोचो, क्या कितनी एनर्जी गई यहां से, 10 जूल, मैंने 10 जूल की एनर्जी बाहर से खर्च की। अगर मैंने 10 जूल की एनर्जी कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर से खर्च की, सोर्स यानी रूम के अंदर कितनी एनर्जी चली गई, 100 जूल। अरे 10 जूल तो यहां से आई लेकिन गई तो 100, बाकी की 90 कहां से आई भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई 10 जूल की एनर्जी तो यहां से आ गई, आउटपुट कितने का मिल रहा है, 100 जूल का मिल रहा है, 100 जूल हमारा रूम में चला गया, सोर्स में चला गया, तो डेफिनेटली 90 जूल यहां से आया होगा। अगर 10 जूल मैंने यहां से खर्च किया, 100 जूल यहां चला गया, तो पक्का 90 जूल यहां से आया होगा। कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाता है? कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टूडेंट निकाला जाता है सिंक के अंदर से कितनी एनर्जी निकली है, 90 जूल, बाहर से वर्क कितना किया है, 10 जूल, डिवाइड करेंगे कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलेगा स्टूडेंट 9। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन में आपसे कहा कि यहां का जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है, अब बताइए यहां का टेम्परेचर कितना होगा। अरे बहुत आसान है भाई, कुछ भी तो नहीं करना है यार, बीटा निकल गया तुम्हारा, क्या तो मैं बीटा से निकाल दूं अब, क्योंकि मुझे पता है कि बीटा का फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। बीटा मुझे पता चल चुका है 9 है, T1 मुझे पता है 400 है, अननोन क्वांटिटी क्या बची, T2, मैं यहां से T2 की वैल्यू निकाल दूंगा। या अगर मुझे ये भी नहीं करना है तो फिर ये तरीका है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। बच्चों, Q1 का मतलब है सोर्स के अंदर जाने वाली हीट, सोर्स के अंदर कितनी हीट जा रही है, 100 जूल, तो Q1 हो गया है 100, Q2 हो गया है सिंक के अंदर से निकलने वाली कितनी हो गई है, 90, T1 का मतलब हो गया है यहां का टेम्परेचर, और T2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारी भैया कंडीशन क्या है, कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं, देखिए क्या है कंडीशन, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सोर्स है बच्चों, ये सिंक है, बीच में ये वर्किंग एरिया है, ठीक है? जरा समझिएगा आप लोग ध्यान से, ये कहा गया कि बाहर से जो खर्च हो रही है ना एनर्जी, वो ओनली 1 जूल है स्टूडेंट, ओनली 1 जूल, बाहर से एनर्जी हम लोगों ने 1 जूल की खर्च की,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से यार, बाहर से 1 जूल की एनर्जी हम लोगों ने लगाई, यहाँ का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, आपको बताना है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा यदि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको दे रखा है 9। अब क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग देखें ना, हमें तुरंत पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है यार। अब जरा समझो, बाहर से कितनी एनर्जी आई, 1 जूल, समझ रहे हो सभी लोग, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, बाहर से एनर्जी आई है 1 जूल, बीटा कितना है 9। बच्चों बीटा 9 होने का मतलब ये है, अगर बीटा की वैल्यू 9 है तो यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो इस वाली एनर्जी की बीटा टाइम्स निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यार सोचो, अगर बाहर से तुमने 1 जूल की एनर्जी लगाई है तो सिंक के अंदर से बीटा टाइम्स एनर्जी निकलेगी, इसी के बीटा टाइम्स निकलेगी, यहां से कितने लगाई 1 जूल, बीटा कितना है 9, तो यहां से स्टूडेंट निकलेगा 9 जूल। हमने बाहर से खर्च करी 1 जूल, यहां से निकली 9 जूल, 1 जूल एंड 9 जूल कितना हो गया है स्टूडेंट 10 जूल, तो यहां पहुंच जाएगी हमारे पास में 10 जूल की एनर्जी। ठीक है, अब देखो यार, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1, ये Q1 की वैल्यू है, T1 अपने पास में होने वाला है बच्चों 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये Q2 की वैल्यू है, T2 हमें निकालना है, सीधा कॉन्सेप्ट है भैया हमारे पास में, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत आने वाली हम लोगों को है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए, मेरे पास में एक बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि उसे कितने समय में सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट, क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है बच्चों अपने पास में, अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा, ए कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 1/10। देखो बच्चों, हीट इंजन की बात हो रही है जिसकी एफिशिएंसी है 1/10, हीट इंजन की एफिशिएंसी है 1/10 एज अ हीट इंजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। हम हीट इंजन को रिवर्स में यूज कर रहे हैं बच्चों, हीट इंजन को उल्टा करके यूज कर रहे हैं, हीट इंजन को रिवर्स में यूज कर रहे हैं, जब हीट इंजन को रिवर्स में यूज करेंगे वो बन जाएगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ओके, इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, हमने बाहर से 10 जूल का वर्क किया है स्टूडेंट, 10 जूल का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट द लोअर टेम्परेचर इज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट द लोअर टेम्परेचर इज, बड़ी शानदार प्रॉब्लम है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। सोर्स वर्किंग सब्सटेंस सिंक, ये गर्म है ये ठंडा है, तो हम लोग आसानी से कह देंगे ये हाइयर टेम्परेचर पर है ये लोअर टेम्परेचर पर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये हाइयर पर है ये लोअर पर है, ये वर्किंग सब्सटेंस है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया बच्चों, हमने बाहर से 10 जूल की एनर्जी खर्च की, हमने बाहर से 10 जूल की एनर्जी खर्च की, अगर मैंने बाहर से 10 जूल खर्च किया, अरे समझिएगा बच्चों समझिएगा, अगर मैंने बाहर से 10 जूल खर्च किया तो सिंक के अंदर से, दिस इज द सिंक स्टूडेंट, सिंक के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो बीटा टाइम्स होगी 10 के, बीटा टाइम्स होगी 10 के, अगर बाहर से मैंने 10 जूल खर्च किया तो इस रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उस 10 की मल्टीप्लाई उस बीटा से करेंगे, उतनी एनर्जी सिंक के अंदर से निकलेगी और इन दोनों का सम सोर्स में पहुंच जाएगा 10 प्लस 10 बीटा। तो ये हाइयर टेम्परेचर पर है ये लोअर टेम्परेचर पर है, उसने कहा है कि बताओ लोअर टेम्परेचर के अंदर से कितनी हीट निकलेगी, अगर बाहर से आप 10 जूल खर्च करोगे तो लोअर टेम्परेचर के अंदर से कितनी हीट निकलेगी, हमने कहा 10 बीटा, लेकिन यार ये तो बड़ी समस्या है, बीटा तो है ही नहीं हमारे पास में, बीटा कैसे निकालें, हमारे पास तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को बीटा में कैसे बदलें, नोट डाउन करें, बड़ा शानदार फॉर्मूला बता रहा हूं मैं बच्चों आप लोगों को, फॉर्मूला ये है बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के ईटा अपॉन ईटा,
ये बीटा में और एफिशिएंसी में रिलेशन है बच्चों, बड़ा शानदार रिलेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 10 और स्टूडेंट आखिर में है 1 अपॉन 10। सो बीटा की वैल्यू सॉल्व करूंगा, यहां से निकल जाएगी 9। बच्चों बीटा निकल गया है 9। अब 9 को यहां रखेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, 90 जूल। यानी सिंक के अंदर से 90 जूल निकला, 10 जूल यहां से आया, तो सोर्स के अंदर कितना चला गया, 100 जूल। हमसे पूछा है कि सिंक के अंदर से कितना निकला है, सो करेक्ट आंसर इज 90 जूल स्टूडेंट, सोर्स के अंदर से 90 जूल निकला है। उम्मीद है समझ में आया होगा, जिसे नहीं समझ में आया चिंता मत करो, एक बार और देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी इतनी है। अब एफिशिएंसी को देखते ही ना दिमाग में बल्ब जल गए एकदम से, कि यार एफिशिएंसी को बीटा में कैसे बदलेंगे। बड़ा आसान तरीका है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। कई बार जब हमारी किस्मत बड़ी अच्छी होती है ना, तो ऐसा रिलेशन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। बीटा फ्रिज के लिए है, रेफ्रिजरेटर के लिए है, ईटा हीट इंजन के लिए है, और इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है स्टूडेंट, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के ईटा अपॉन ईटा। ईटा हमें दे रखा है 1 अपॉन 10, हम लोगों ने सॉल्व किया तो बीटा स्टूडेंट निकल गया है 9। अब इसका मतलब ये है, अगर 10 जूल की एनर्जी आप बाहर से खर्च करेंगे, 10 जूल की एनर्जी आप बाहर से खर्च करेंगे, तो सिंक के अंदर से बीटा टाइम्स एनर्जी निकलेगी, और वो कहां पहुंच जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस में। आपने बाहर से कितनी एनर्जी खर्च की बच्चों, हमने बाहर से की है 10 जूल की एनर्जी खर्च। बीटा कितना हुआ है, बीटा स्टूडेंट हो गया है हम लोगों का 9। इसका मतलब यह है कि यहां से बीटा टाइम्स एनर्जी रिमूव होने वाली है। सो बीटा टाइम्स एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट, देखिए जरा, 10 जूल की एनर्जी अगर यहां से फाइंड आउट होती है और बीटा टाइम्स की एनर्जी निकलने वाली है, बीटा हमारा 9 है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बन जाएगा 90 जूल। सो करेक्ट आंसर इज 90 जूल स्टूडेंट, फाइनल आंसर इज 90 जूल, 90 जूल की एनर्जी स्टूडेंट हम लोगों की निकलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और स्पेशली ये रिलेशन जो मैंने आप लोगों को बताया है, जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, स्टार मार्क करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से आगे भी पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, चलिए अभी हम थोड़ी सी बात और करते हैं। देखिए मैं अभी कुछ और प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराऊं, उससे पहले कंडीशन ये है, कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हीट इंजन के बारे में, अभी हम लोग हीट इंजन की प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं। कार्नोट इंजन और हीट इंजन में ना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट, कार्नोट इंजन और हीट इंजन को आपको दोनों को एक ही समझकर चलना है, ध्यान रखिएगा। देखिए सिचुएशन क्या है, जरा गौर से देखेंगे आप लोग। एक कार्नोट इंजन मींस हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 250 एंड 600 केल्विन। अब मैं समझ गया एकदम से, देखते ही समझ गया, ये 600 है ज्यादा है, सोर्स का टेम्परेचर है, 450 कम है, 450 कम है, सिंक का टेम्परेचर है। बना देते हैं यहां पर, ये सोर्स है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये सिंक है। सोर्स का टेम्परेचर है स्टूडेंट 600 केल्विन, और यहां का टेम्परेचर है हमारे पास में 450 केल्विन। जो ज्यादा वाला है वो सोर्स का टेम्परेचर है, जो कम वाला है वो स्टूडेंट सिंक का टेम्परेचर है। इसके बाद में देखिए, हैज अ वर्क आउटपुट ऑफ 300 जूल पर साइकिल। देखो बड़ी शानदार बात की गई है कि यहां से हर एक साइकिल में 300 जूल का वर्क होता है बच्चों, 300 जूल पर साइकिल वर्क होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल इज, बच्चों ये कहा है कि बताइए यहां से कितनी हीट बाहर निकलने वाली है। हमें स्टूडेंट कहा गया है कि सोर्स के अंदर से कितनी हीट बाहर निकलने वाली है। देखो यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगभग 7-8 साल पढ़ाते हो गए, काफी टारगेट के बैच निकाले, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इतने एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है कि फिजिक्स में जो सबसे जरूरी चीजें हैं ना स्टूडेंट, वो दो हैं, सबसे जरूरी चीजें। नंबर 1, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाए ना, क्योंकि मैं भी यार इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करके आया हूं, मैंने देखा है कि भाई फिजिक्स में प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाए कि पूछा क्या है हमसे, तो हम बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा होता है
उस प्रॉब्लम को अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करना कि भैया हम लोगों से पूछ क्या रखा है और कैसे ये फिनोमिना हो रहा होगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन को, हम लोगों को बहुत पहले से कहा जाता है कि आप जब कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए तो उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने का मतलब स्टूडेंट सिर्फ इसी बात से है कि आप उस चीज को समझ पाए, ध्यान से आप उस चीज को समझ पाए। तो सबसे जरूरी चीज है किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर यह पता लगाना कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या है। अब जैसे कि आप ये देखिए, सोर्स का टेम्परेचर इतना है, सिंक का टेम्परेचर इतना है, वर्क इतना होता है, आपसे Q1 पूछा, मैं कहूंगा यार बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। कैसे? एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, 1 - K T2/T1, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 1 - T2/T1, T2 भी है, T1 भी है, एवरीथिंग इज गिवन। एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्क अपॉन क्यू वन। अब जैसे ही हम दोनों को इक्वल रखेंगे ना बच्चों, जैसे ही हम दोनों को इक्वल रखेंगे, 1 - K T2/T1 इज इक्वल टू W/Q1, T2 450, T1 600, W 300, Q1 भैया यहां से आराम से निकल जाएगा। निकालो, टिक करो, कमेंट्स में मेंशन करो और भैया भेज देना जरा कमेंट्स के अंदर, टीचर भी थोड़ा प्रोत्साहित हो जाता है कि भाई हाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कमेंट्स के अंदर आंसर भेजना है कि सर हमारा ये आंसर निकल कर आया है, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बड़ा ईजी है। एफिशियंसी का एक फॉर्मूला ये है, एफिशियंसी की एक कंडीशन ये है, दोनों को इक्वल रखा, प्रॉब्लम बनाई। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में। अगेन कार्नोट इंजन, डरना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। कार्नोट इंजन तो हमें पता है यार, क्या है कार्नोट इंजन, हीट इंजन को ही कार्नोट इंजन बोलते हैं। कार्नोट इंजन विद सिंक टेम्परेचर एट 17 डिग्री सेल्सियस, बड़ा शानदार बात। देखो भाई, सुनो बात को ध्यान से, सिंक का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया थर्मोडायनेमिक्स में तो डिग्री सेल्सियस का यूज है ही नहीं यार, टेम्परेचर के लिए तो यहां केल्विन का यूज करना है। तो सबसे पहले सिंक का टेम्परेचर है 17, सिंक के टेम्परेचर को बोलते हैं T2, सोर्स के टेम्परेचर को बोलते हैं T1। सो T2 को पहले आप केल्विन में चेंज करो, 273 जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टूडेंट, आंसर आएगा 290 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर हो गया है 290 केल्विन। दोबारा से सुने, 17 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 ऐड कर दिया, उत्तर आ गया है ये। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी है 50%, T1 हमें अभी नहीं पता है और इस समय जो इसकी एफिशिएंसी है वो 50% है। पहले यहीं तक, सिर्फ यहीं तक, मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, सिर्फ यहीं तक देख लेते हैं। T1 नहीं पता है तो पहले T1 निकालते हैं भैया, T1 निकालो जरा कितना होगा, चलिए T1 देखते हैं कितना होगा। एफिशिएंसी है 50% को सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है बच्चों ये, 1 - K T2/T1, तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड करके 1 - T2/T1। सो T2/T1 इज इक्वल टू 1 - K 1/2, T2/T1 इज इक्वल टू 1/2, T1 इज इक्वल टू 2T1 इज इक्वल टू 290 का डबल कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट। जैसे ही हम लोग 290 का डबल करेंगे यह आ जाएगा 580 केल्विन, यानी जब उसकी एफिशिएंसी 50% है तो सोर्स का टेम्परेचर इतना है। यार इतनी बात तो बड़ी आसान है, बड़ी इजी है, सब कुछ गिवन दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। T1 सोर्स का टेम्परेचर हमें नहीं पता है तो हमने निकाल दिया 580, सिंक का टेम्परेचर हमें पता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यह है 50% दे रखा है, सबसे पहले परसेंट को रिमूव करने के लिए हमने इसे 100 से डिवाइड किया, इक्वल टू 1 - K T2/T1 सॉल्व करके T1 निकल गया इतना। अब उसने क्या कहा बच्चों हमसे, उसने ये कहा, जरा समझिएगा ध्यान से, उसने ये कहा बाय हाउ मच शुड इट सोर्स टेम्परेचर बी चेंज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 60%। उसने कहा कि यार एफिशिएंसी को 50 से बढ़ाकर 60 पे लेकर जाना है,
एफिशिएंसी को 50 से इंक्रीज करके 60 पर लेकर जाना है, बताओ सोर्स का टेम्परेचर कितना चेंज होगा। दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, 60 मान लीजिए कि हमने एफिशिएंसी को 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया, हो गया 60, परसेंट को सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस के T2 अपॉन T1। बच्चों हीट इंजन में T2 सिंक का टेम्परेचर है, T1 सोर्स का टेम्परेचर है। सिंक हीट इंजन में इंजन के जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, मान लो कि मैं इंजन हूं, मेरे बाहर का ये जो एटमॉस्फेयर है ये सिंक है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब यार हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो हम नहीं बदल सकते हैं ना, तो T2 नहीं बदलेगा, T2 ऐसा ही रहने वाला है। ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 290/T1। ठीक है, अब आगे मैं नहीं करूंगा, आप यहां से T1 निकालेंगे कितना आएगा। T1 क्या बल्कि इसे T1 डैश नाम दो आप, T1 डैश। पहले कितना आया था T1? 580। अब देखो कितना आएगा, अगर ज्यादा आया तो 580 से बढ़कर इतना हो गया, और अगर कम आया तो 580 से घटकर इतना हो गया। बच्चों ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले एफिशिएंसी 50% थी, हमने उसके अकॉर्डिंग सिंक सोर्स का टेम्परेचर निकाल दिया। ये सिंपल फॉर्मूला है भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा स्टूडेंट, 1 माइनस के T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 को इसके अपॉन में लेकर चले जाएंगे, फिर जाकर हम लोग स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। तो बच्चों ये कंडीशन अपने पास में हो गई, T1 डैश की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। याद आएगा 290/T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस के 3/5 2/5। सॉल्व कर लेना यार, आगे पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसी क्वेश्चन में, मैं आंसर तो नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं कि लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हीट इंजन और दोनों के मेन मेन फॉर्मूले आप लोगों को बता रहा हूं। बच्चों एक तरफ है स्टूडेंट हीट इंजन, और दूसरी तरफ है बच्चों अपने पास में रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W/Q1 × 100। दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट 1 माइनस के T2/T1 × 100। ठीक है, और एक है इसके अंदर Q1 = Q2 + W। ये तीन मेन फॉर्मूले हैं। एक और हम कह सकते हैं Q1/Q2 = T1/T2। इसमें सोर्स है, कंप्रेसर है, सिंक है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ से स्टूडेंट हीट आती है Q1, यहाँ W वर्क होता है, बाकी बची हुई हीट यहाँ चली जाती है Q2। ये स्टूडेंट हमारा हीट इंजन है। ऐसे ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, हालांकि मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ आपको। रेफ्रिजरेटर में क्या है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही है, सोर्स, कंप्रेसर, सिंक, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बाहर से वर्क करते हैं W, यहाँ से हीट आती है Q2, और यहाँ हीट चली जाती है Q1। इसमें आता है β = Q2/W या Q1 - Q2, या बीटा का एक और फॉर्मूला हो सकता है T2/T1 - T2, या Q2 + W = Q1, या Q1/Q2 = T1/T2। ये सारी कंडीशन है स्टूडेंट। इसमें हीट का फ्लो होगा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ नेचुरली, इसमें हीट का फ्लो होगा उल्टा, ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी को अप्लाई करने के बाद। इसमें एफिशिएंसी होती है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। पूरी कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जिन लोगों को बात समझ में ना आई हो वो लास्ट लेक्चर देखें और ये वाला लेक्चर देखें, फिर प्रॉब्लम्स को लगाएं। ईटा में और बीटा में मैंने एक बड़ा सुंदर सा रिलेशन आपको बताया है। ये रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 - ईटा / ईटा। ये सारी कंडीशन स्टूडेंट हमारे सामने रहने वाली है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर की बात भी कर ली है, हमने हीट इंजन की बात भी कर ली है,
हमने प्रॉब्लम्स भी कर ली है। आप लोग कोशिश करें कि इनके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाएं और भैया कृपया करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, क्वेश्चंस करिए। 2 महीने हैं, आप बिल्कुल भी लीनियंस में मत होइए। मुझे लगता है कि आप लोग आरामदायक कंडीशन में आ गए हैं, शायद ऐसा मत करिए। 2 महीने हैं, अगर 2 महीने मिले हैं तो उनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाइए। जितना आप पढ़ सकते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए। जितने चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं उन्हें अच्छे से दोबारा 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 करके रिवाइज करिए। कम से कम ऐसा तो हो जाए कि जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं कि उनका क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो बिल्कुल भी बच्चों, ठीक है। तो ये काम आप लोग अच्छे तरीके से करिए स्टूडेंट। ओके चलिए बच्चों, अब एक प्रॉब्लम आती है मेरे पास में, ये देखिए क्या है प्रॉब्लम। एन आइडियल हीट इंजन, अरे इसमें तो वाह भाई वाह, हीट इंजन ही बोल दिया, कार्नोट इंजन नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। वर्क बिटवीन टेम्परेचर T1 दिस T2 दिस, T1 यानी सोर्स, T2 यानी सिंक, इफ द इंजन एब्जॉर्ब, इंजन एब्जॉर्ब दिस 600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड टू द सिंक इज, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू द सिंक इज। मैं चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम को यार तुम खुद करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, एफिशिएंसी निकाल दो यहां से, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो इंजन है वो सोर्स के अंदर से इतनी एनर्जी लेता है 600 जूल, तो आपको बताना है कि वो कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, सिंक की तरफ कितनी एनर्जी भेजेगा। बहुत आसान है। मैं कॉन्सेप्ट एक बार और आपके सामने लिख देता हूं। 1 माइनस के T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू W अपॉन Q1, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। इतने से काम हमारा बन जाएगा बच्चों। इन कंडीशन को आप अप्लाई करें, कोशिश करें अपने आप करने की, नहीं हुआ तो कल की क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ अपना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, ऑलमोस्ट हमने भी प्रयास किया कि भाई थोड़ा सही तरीके से आप लोगों को बताया जाए। अब आप लोग भी जानते हैं कि चैप्टर हमारे पास में काफ़ी है, समय इतना नहीं है, तो जितना भी मैं आप लोगों को बता सकता था उतना मैं बता पाया। हालांकि बताने को बहुत कुछ था बच्चों, बहुत कुछ बताने को था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है हमारे ऊपर, इसलिए बहुत कुछ डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, जितना आप लोगों को बताया है उसे अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करें, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएं, और अगर कोई डाउट आते हैं तो मुझसे आप लोग डिस्कस करें। बीच बीच में मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को बच्चों कराता रहूंगा जो चैप्टर में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लाइक यूनिट मेजरमेंट एरर, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड वेव। 5 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन में मैं कोशिश ये करूंगा कि रोज एक प्रॉब्लम प्रीवियस चैप्टर की आप लोगों को करा दी जाए, जिससे कि वो उसके टच में बने रहे हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।